सम पृथक्करण का नियम, जिसे कि क्या कहा गया है, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा गया है, क्योंकि जब विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, कौन से हुए थे, विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, तो इनसे दो क्या बनते हैं, ये दो युग्मक बनते हैं। इससे बनता है एक तो नर युग्मक और एक कौन सा बनता है, मादा युग्मक बनते हैं। तो दो शुद्ध युग्मक बन गए, इसलिए इन्हें क्या बोला गया है, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा गया है। और साथ ही क्या हुआ, जो विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे तो उनसे जो युग्मक बने थे वे युग्मक क्या होते हैं, पृथक पृथक युग्मकों में चले जाते हैं, अर्थात मादा युग्मक और नर युग्मक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। इसलिए इसे क्या गया है, पृथक्करण का नियम तथा युग्मकों की शुद्धता का नियम कहा गया है। यह नियम भी मेंडल ने एक संकर संकरण पर के परिणामों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार F1PD के संकर एवं विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय, विषम युग्मजी कौन से थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये कैसे थे, विषम युग्मजी लंबे पौधे थे, से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी, तो मैंने बताया था कि दोनों युग्म विकल्पी कौन कौन से होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो इसको बोल सकते हैं नर और इसको नर बोल सकते हैं, और इसको कौन से बोल सकते हैं, मादा। तो दो युग्मक बन गए, तो दोनों युग्मक एक दूसरे से क्या होंगे, पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चल जाते हैं, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इसे पृथक्करण का नियम या विसंयोजन का नियम कहते हैं, तथा प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्मक युग्म विकल्पी पाया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, युग्मकों की क्या कहते हैं, शुद्धता का नियम कहते हैं। क्या बोलेंगे, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं, पृथक्करण का नियम, क्योंकि इसमें दो शुद्ध युग्मक नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। अब इसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं। यदि समयुग्मजी लंबे एवं समयुग्मजी बोने पौधे, जो समयुग्मजी तो कैसे होंगे, समयुग्मजी लंबे कैसे होंगे, कैपिटल टी कैपिटल टी, जबकि समयुग्मजी बोने स्मॉल टी पौधे में जब संकरण कराया जाता है तो जो F1PD बनी, तो संकरण में विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। विषम युग्मजी में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे को क्या कहते हैं, समदूषित नहीं होते हैं, एक दूसरे से कहते हैं क्या होते हैं, समदूषित नहीं होते हैं। युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से जब पृथक होकर, तो मैंने बताया था कि विषम युग्मजी बना था और इसमें क्या होंगे, जब दो युग्मक जो हो गए थे वे क्या हो गए, पृथक पृथक युग्मकों में चल जाते हैं, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, जिसके कारण F2PD में जब चेकरबोर्ड बनाएंगे तो F2PD में क्या हुए, बोने पौधे के लक्षण फिर से क्या हो गए, प्रकट हो जाता है। F2PD का लक्षण प्रारूप, तो लक्षण प्रारूप किसे कहेंगे, जो कि लक्षण दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोलेंगे, लक्षण प्रारूप। और जीन प्रारूप, मैंने क्या बताया था कि जीन प्रारूप जो जीनी संरचना के बारे में जिसमें जिसका अध्ययन किया जाता है उसे क्या बोलेंगे, जीन प्रारूप कहते हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, समयुग्मजी लंबे पौधे कैपिटल टी कैपिटल टी और समयुग्मजी बोने पौधे स्मॉल टी समयुग्मजी क्यों कहा गया है, क्योंकि जो दोनों युग्मक हैं वो क्या है, समान है। अब इनसे जो बना, जब इनका जब संकरण कराया, किसका, इसका समयुग्मजी लंबे और समयुग्मजी बोने, जब इन दोनों का संकरण कराया संतति पीढ़ी के अंदर, तो विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। और इस पीढ़ी को क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इसको बोल रहे हैं F1PD। अब इसमें दो युग्मक बन गए, एक तो मादा युग्मक बन गया और एक क्या बन गया, नर युग्मक बन गया। अब इसको अपन ने चेकरबोर्ड बनाया, ये चेकरबोर्ड बोलते हैं, इस ये अपन ने चेकरबोर्ड बनाया, तो इसमें ऊपर वाले को तो क्या बोल दिया, नर युग्मक, और ये जो मादा वाला यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो ऐसा वाला सिंबल होता है, जो ऐसा वाला सिंबल होगा वह तो किसके लिए होगा, नर के लिए, लेकिन जो ऐसा वाला होता है जिसमें जो प्लस वाला होता है वह किसके लिए होगा, मादा के लिए होता है, किसके लिए होता है, मादा के लिए। जब इनका संकरण कराया तो क्या हुआ, जब इस कैपिटल टी और इस कैपिटल टी इन दोनों का संकरण कराया तो शुद्ध समयुग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे। साथ ही जब इस टी और इस टी को जब इसको कराया तो विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, क्योंकि मैंने बताया समयुग्मजी तो कैपिटल टी होगा और कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, वे कैसे होंगे, विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त थे, कैसे थे, विषम युग्मजी लंबे पौधे प्राप्त थे। साथ ही अब सेकंड वाले में हम क्या करेंगे, इस स्मॉल टी का कैपिटल टी से कराएंगे तो
विषम युग्म जी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, और जब विषम युग कैपिटल स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से कराया तो कैसे था, शुद्ध लंबे शुद्ध बोने पौधे समयुग्मजी बोने पौधे प्राप्त होते हैं, और इस पीढ़ी को क्या बोलेंगे, एफ टू पीढ़ी कहते हैं। क्या बोलेंगे, एफ टू पीढ़ी कहते हैं। अब यहाँ पे लक्षण प्रारूप और जीन प्रारूप का अध्ययन किया, तो लक्षण प्रारूप क्या होते हैं, लक्षण प्रारूप उनको कहते हैं जो लक्षण हमें बाहर से दिखाई देते हैं। तो हम इस चेकर बोर्ड के अंदर, ये जो चेकर बोर्ड है इसमें हमें लंबे कितने दिखाई दे रहे हैं, एक दो तीन, इसलिए यहाँ पे क्या गया, तीन लंबे और एक कैसे दिखाई दे रहा है, बोना, तो एक बोने पौधे आ गया। साथ ही जब जीन प्रारूप की बात करते हैं, जीन प्रारूप जिनका हम बाहर से नहीं देख सकते हैं, इनका अनुवांशिकीय रचना का अध्ययन किया जाता है, तो इसमें क्या होता है, एक तो कैसे हो गया समयुग्मजी, क्योंकि कैपिटल टी लंबे पौधे, दो कैसे हो गए विषमयुग्मजी, क्योंकि ये वाला और ये वाला कैसे हो गए विषमयुग्मजी, और एक कैसे हो गया समयुग्मजी बोना। तो इस प्रकार क्या हो गया, एक अनुपात दो अनुपात एक, ये हमारे क्या हो गया, ये है हमारे जीन प्रारूप। इस प्रकार इसे क्या बोलते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं।